वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और स्टूडेंट्स, साइंस की जोन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे आसपास के पदार्थ नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पदार्थों की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम संघनन और आसवन विधि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले संघनन देखेंगे। संघनन को इंग्लिश में हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। किसी पदार्थ के वाष्पों को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, अर्थात किसी भी गैस को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे सॉलिड जो होता है उसको जब हीट करते हैं तो वह लिक्विड में यानी द्रव में बदलता है, द्रव को जब हीट करते हैं तो वह गैस में बदलता है, और गैस को जब ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड पुनः बदल जाता है ठंडा करने पर ठोस में। इस प्रकार एक निश्चित क्रम है कि सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो वो बदल जाएगा लिक्विड में द्रव में, और लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो वह बदल जाएगा वेपर यानी गैस में बदल जाता है। इस प्रकार संघनन वह अभिक्रिया है जिनमें वाष्पों को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। आइए इसकी कुछ हम इम्पोर्टेंट उदाहरण देखते हैं कि किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रखने पर कुछ समय बाद ग्लास की बाहरी दीवारों पर जल की छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा वायु में उपस्थित जल वाष्पों के ठंडा होकर द्रव में बदलने के कारण होता है। जैसा हम अपने घरों पर देखते हैं कि जब बहुत ठंडा पानी हम रखते हैं तो ग्लास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित होने लगती है। ये जल की बूंदें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के कण होते हैं जो ग्लास के संपर्क में आने पर जमकर पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ग्लास के बाहरी सतह पर जो पानी की बूंदें बन रही है वह संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी भी पेय पदार्थ को लेते हैं तो जब वो अधिक ठंडा होता है उसके बाहरी सतह पर ज्यों ही हम बाहर रखते हैं उनके बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित होना शुरू हो जाती है। यह भी क्या होता है कि जो वायुमंडल में जल विद्यमान है वह इसके संपर्क में आते हैं और आकर के वह गैस से पुनः ठंडा होकर के वाष्प में बदल जाते हैं और उस बोतल की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार संघनन वह अभिक्रिया है जिसमें गैस को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। अर्थात एक बार परिभाषा पुनः हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ के वाष्पों को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यदि किसी बर्तन में बनी हुई गर्म साग सब्जी को तस्तरी से ढक कर रख दी जाए तो तस्तरी के भीतरी सतह पर जल की बूंदें जमा हो जाती है। ऐसा साग सब्जी से निकलने वाले जल वाष्पों के ठंडा होकर जल में बदलने के कारण होता है। जैसे हम अपने घरों में देखेंगे तो क्या होता है कि बर्तन से जब गर्म होते हैं तो बर्तन से जल वाष्प के कण बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर इसी जल वाष्प को हम किसी बर्तन से ऐसे ढक दें थोड़ी देर बाद वो ठंडी होकर यहाँ पर जल की बूंदे के रूप में जमा हो जाती है। ये जल की वाष्प को जल की बूंदे के रूप में जो बदलने की क्रिया है यही क्रिया आपकी संघनन क्रिया कहलाती है। ठीक ऐसे ही देखेंगे यहाँ केतली में गर्म चाय रखी है जिससे जल वाष्प बाहर निकल रहा है और यहाँ पर सामने एक बर्तन जब लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर पानी की बूंदे एकत्रित होना शुरू हो जाती है, यानी यह वाष्प ठंडा होकर के द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए यह क्रिया जो होगी वह संघनन की क्रिया कहलाएगी। अर्थात किसी भी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की जो क्रिया है उसी क्रिया को हम संघनन क्रिया कहते हैं। आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। आसवन। आसवन जिसे इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा आइए हम देख लेते हैं। किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना तथा प्राप्त वाष्प को पुनः ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को आसवन कहते हैं। आसवन देखेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर्स में आते हैं कि आसवन किसे कहते हैं। तो देखेंगे किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना तथा प्राप्त वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया को आसवन कहते हैं। अब ये आसवन होता क्या है? देखिए ये आसवन जो होता है वह क्वथन
और संघनन ये दोनों क्रियाओं के मिलने से होता है, क्योंकि जब किसी द्रव को हम बहुत गर्म करेंगे यानी जब उसको क्वथनांक पर रखेंगे तो वह वाष्प में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प को ठंडा करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम कहते हैं संघनन और गर्म करने की जो क्रिया होती है वो होता है क्वथन। ये जो संघनन क्रिया होती है वाष्प द्रव में बदलने की क्रिया को ही हम संघनन कहते हैं। तो आसवन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी द्रव पदार्थ को लेते हैं और गर्म करके वाष्प में बदल देते हैं, क्रिया नंबर एक ये होती है। और दूसरी क्या होती है, जब जो वाष्प हमको प्राप्त हो जाती है उस वाष्प को ठंडा करके हम पुनः द्रव में बदलते हैं, उसी क्रिया को हम आसवन क्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे अब आसवन क्या है, क्वथन, पहली क्रिया जो होगी ये वो क्वथन की क्रिया होगी। दूसरा वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल रहे हैं, इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं, यह क्रिया संघनन की होती है। इसलिए आसवन क्रिया में क्वथन और संघनन की क्रिया साथ साथ होती है। जैसे हम फिगर में देखेंगे यहाँ पर केतली को पानी, केतली में पानी रख करके हम गर्म करते हैं और जब 100 सेल्सियस पर यह वाष्प तेजी से वाष्प बनना शुरू हो जाता है पानी का, तो इसको हम क्या करते हैं एक बर्तन के ऊपर यहाँ पे बर्फ रख देते हैं और इस वाष्प को ठंडा करते हैं। यह पानी जो जल वाष्प बना हुआ है पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है और जल बदल करके हम उसको एकत्रित कर लेते हैं। यानी यहाँ पर क्वथन की क्रिया करेंगे और फिर यहाँ पर संघनन की क्रिया करेंगे तो हमको आसवन क्रिया, यह संपूर्ण क्रिया जो कहलाएगी वह आसवन क्रिया कहलाएगी और वह जल वाष्प पुनः हमको द्रव के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर भी द्रव था फिर वो बदला किसमें, गैस में, और फिर गैस से वह बदल जाता है द्रव में। इस संपूर्ण क्रिया को हम आसवन क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना तथा प्राप्त वाष्पों को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया को आसवन कहते हैं। आसवन क्रिया के द्वारा हम किसी भी लिक्विड में एक मिले हुए अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अगर किसी द्रव में कोई ऐसा द्रव मिल गया है जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उन दोनों द्रवों को आसवन विधि के द्वारा हम एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो पदार्थ है उनके बीच के क्वथनांकों का अंतर, देखेंगे क्वथनांकों का अंतर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी हम आसवन विधि के द्वारा किसी द्रव को पृथक कर सकते हैं। आसवन विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है जिसके फलस्वरूप हमको डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल प्राप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।